नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ लगन के लिए जो शनि का गोचर है 24 जनवरी 2020 से, वो किस प्रकार के परिणाम आपको देगा। तो यहाँ पर इस गोचर को समझने से पहले हम थोड़ा सा शनि के कारकत्व के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आपकी जो कुंडली आपको जो सामने दिखाई दे रही है उसमें आपके 12वें भाव में शनि गोचर करेंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में 10 नंबर यानी मकर राशि आती है और वहाँ पर शनि आएंगे 24 जनवरी को। तो उसके बाद आपको क्या क्या रिजल्ट मिलने हैं 12वें भाव के, और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि रहेगी वहाँ वहाँ के आपको कौन कौन से रिजल्ट मिल सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। शनि के बारे में बहुत कुछ जो है भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, पर यहाँ पर शनि ऐसा नहीं है कि हर बार खराब रिजल्ट देते हैं। और शनि अब अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे, तो खुद की राशि में कोई भी जो ग्रह है वो इतना जो है खराब रिजल्ट नहीं देता। अब यहाँ पर शनि मकर राशि में गोचर करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं शनि किसका कारक है। शनि वैराग्य के कारक माने जाते हैं, आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, दर्शन शास्त्र न्याय और धार्मिक नियमों का पालन कराने वाले शनि माने जाते हैं। हमारे जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको हम शनि से देख सकते हैं। शनि विज्ञान के कारक हैं, शनि अभियांत्रिकी, उद्योग, उत्पादन, लोहा, स्टील, तेल और गैस, इन सब के कारक शनि माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें आधारभूत ढांचा, कोयला, सभी प्रकार के खनिज पदार्थ और सभी प्रकार के खनन कार्य, इन सब के कारक भी शनि माने जाते हैं। इसके अलावा शनि शोध के कारक भी हैं और हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनको शनि दर्शाते हैं, हमारे जीवन के परिवर्तनों को शनि दिखाते हैं, शनि हमें मैच्योर बनाते हैं। और शनि हमारे पाचन तंत्र के कारक भी हैं और पैरों के कारक भी शनि को माना जाता है। अब अगर हम बात करें काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो काल पुरुष की कुंडली में जब भी मकर राशि दशम भाव में आती है तो ये शनि की राशि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली का ये दशम भाव बनता है और यहाँ पर ये पृथ्वी तत्व की राशि आ रही है, तो दसवां भाव जो है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग कर्म का है। और यहाँ पर ये जो राशि है वो कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है, मान सम्मान को दर्शाती है। इसके अलावा पद प्रतिष्ठा, छवि, हमारे अधिकार, हमारी नेतृत्व क्षमता, सरकार, प्रशासन, प्रबंधन, अनुशासन, धैर्य, व्यवस्था, न्याय और कानून का पालन, इन सबको ये राशि दर्शाती है। और ये राशि है वो भौतिक राशि है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शनि आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। अब आपके शनि तो 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि शनि 12वें भाव में किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं और शनि मकर राशि में किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए शनि के रिजल्ट अगर आपको जानने हैं तो आपको चंद्रमा की जो स्थिति है आपकी होरोस्कोप में वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चंद्र लगन के स्वामी और कुंडली में बन रहे जो अन्य योग हैं उस पर भी इनके जो रिजल्ट हैं वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा आपकी होरोस्कोप में बृहस्पति की स्थिति कैसी है वो जरूर जो है मायने रखती है इसके साथ ही। और शनि जो है वो व्यक्ति को वास्तविकता की ओर लेकर जाते हैं, हमेशा तथ्यात्मक बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं, अनुशासित रखते हैं। इसके अलावा शनि व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं, प्रबल निर्णायक बनाते हैं, नेतृत्व क्षमता अच्छी देते हैं, धैर्यशील, जुझारू और थोड़ा सा जो है जिद्दी बनाते हैं। इसके अलावा सत्यवादी बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं, धर्मपरायण बनाते हैं। इसके अलावा शनि एकाकी जीवन देते हैं, आलसी बनाते हैं, विश्वसनीय और पारंपरिक बनाते हैं और ये व्यक्ति को अपरिवर्तनवादी बनाते हैं। अब हम आते हैं आपके 12वें भाव में और देखिए यहाँ पर शनि का गोचर शुरू होगा 24 जनवरी 2020 से और ये गोचर रहेगा आपके यहाँ पर 28 अप्रैल 2022 तक शनि मकर राशि में रहेंगे। इस दौरान शनि 11 अप्रैल 2020 को रेट्रो होंगे और 29 सितंबर 2020 को फिर से मार्गी हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो है बारहवें भाव में जब भी शनि आते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बारहवें भाव में शनि किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। बारहवें भाव में जब भी शनि आते हैं तो हो सकता है कि आप अपने धन को लेकर केयरलेस हो जाएं, और इसके अलावा जो आपका एकेडमिक जो कैरियर है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी शाई नेचर की हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आप जो है जेल की यात्रा भी करें, क्योंकि यहाँ पर शनि का बारहवें भाव में गोचर करना और बारहवा भाव है वो जेल यात्रा को दर्शाता है, पर इसके लिए और भी जो योग हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको हो सकता है कि आई साइट की कुछ प्रॉब्लम हो और आपको यहाँ पर कुछ जो है रेस्पेक्ट कम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि आपको जो है आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा खराब हो जाए। इसके अलावा जो है बारहवें भाव में जिस प्रकार के रिजल्ट शनि देते हैं, हो सकता है कि आपके जो है छुपे हुए जो शत्रु हैं वो आपके सामने आए और आपको जो है शत्रुओं से कुछ फेस करना पड़े, कुछ आपके सेक्रेट इनमें भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको लॉस हो सकता है। इसके अलावा बारहवें भाव के जो रिजल्ट हैं वो शनि को जो है यहाँ पर इतना खराब तो माना नहीं गया है, पर फिर भी शनि यहाँ के कुछ रिजल्ट हैं जो खराब देते हैं, पर यहाँ पर शनि अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं आपके बारहवें भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको जो है खराब रिजल्ट इतने नहीं देने वाले। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो शनि के एस्पेक्ट हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर शनि की जो पोजीशन है वो वैसे अच्छी नहीं मानी गई, पर अपनी खुद की राशि में होने की वजह से आपको कुछ रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि आपके कौन कौन से हाउस को जो है एस्पेक्ट करेंगे और वहाँ के आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो शनि आपके बारहवें भाव से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, आपके सेकंड हाउस को देखेंगे आपके बारहवें भाव से, यानी कि इनकी जो तीसरी दृष्टि है, थर्ड जो एस्पेक्ट है इनका, उससे ये सेकंड हाउस को देखेंगे जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, और 12 नंबर में यहां पर ये राशि आती है मीन राशि। तो मेन राशि गुरु की राशि है। अब गुरु की जो कंडीशन है, गुरु की जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने जैसे बीच में बोला। और यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है उसमें आप काफ़ी रूल रेगुलेशन से कार्य करें और स्टिक हो जाएं काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा आप अपने फैमिली के जो सदस्य हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा नियम और कानून लगाएंगे। हो सकता है कि आपको पैसे का लॉस हो, क्योंकि बारहवा भाव जो है, बारहवा भाव लॉस को दर्शाता है और सेकंड हाउस है वो हमारा धन का भाव है। इसके अलावा वाणी का भी भाव है सेकंड हाउस, तो हो सकता है कि आपको बोलने से किसी प्रकार की समस्या हो, हो सकता है कि आप किसी के साथ विवाद में पड़े, झगड़े में पड़े और आपको जेल जाना पड़े, इस प्रकार की कंडीशन बन सकती है अगर आपके लगन चार्ट में शनि की जो पोजिशन है वो सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर फैमिली के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपकी वाणी का जो दोष है वो आपको बहुत ही परेशान इस समय में कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर शनि यहाँ से देखेंगे आपके आपके सिक्स्थ हाउस को जब भी शनि देखेंगे तो हो सकता है कि आपके जो इनेमी हैं, आपके शत्रु आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है घातक हो जाएं, आपको कुछ पुरानी जो बीमारी है वो उभर सकती है, आपको पैसे का लॉस हो सकता है और आप ऋण ले सकते हैं, आप उधार ले सकते हैं, और बाद में कंडीशन ऐसी होगी कि आपको जो है वो आप उधार चुका नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखनी है कि आपके फर्स्ट लॉर्ड भी शनि बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लॉर्ड भी आपके जो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं वो भी शनि बन रहे हैं, शनि का बारहवें भाव में गोचर। तो फर्स्ट लॉर्ड जब भी बारहवें भाव में जाता है तो ये सीधा सीधा आप लगा लीजिए कि यहाँ पर आपको लॉस ज़्यादा होने वाला है। अब लॉस पैसे का हो सकता है, जिन जिन भावों को यहाँ से शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं उन उन भावों का आप लॉस मान लीजिए, वहाँ पर आपको बुरे परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो सिक्स्थ हाउस से हम विचार करते हैं रोग ऋण और शत्रु का। तो रोग ऋण और शत्रु का जब यहाँ से हम विचार करते हैं तो इन मामलों में आपको जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, काफ़ी बुरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद शनि यहाँ से देखेंगे आपके
सनी यहाँ से आपके यानी कि 10th हाउस को देखेंगे, तो 10th हाउस को यहाँ से देखेंगे तो आपके ये राशि आती है यहाँ पर तुला राशि 9th हाउस में, 9th हाउस पर इनकी दृष्टि रहेगी। और 9th हाउस है वो हमारा भाग्य भाव है, हमारा धर्म का भाव है। अब जब यहाँ पर 9th हाउस का संबंध आपके 12वें भाव से बन रहा है और विशेष रूप से जब शनि से बन रहा है, तो हो सकता है आप में धार्मिक जो विचार हैं उनकी अधिकता है इस दौरान, और आप कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप कोई पुजारी या कोई आप पूजा पाठ करने वाले, तपस्या करने वाले अगर आप हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि 12वां जो भाव है हमारा, वो हमारा एक तरह से जो भी जो साधु संत होते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनके लिए वो एकांत का भाव है। और यहाँ पर 9th हाउस है वो धर्म का भाव है, और 9th हाउस है वो हमारा लक भी है। 9th हाउस से हम ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों को देखते हैं। पिता का भाव भी है 9th हाउस, तो हो सकता है कि आपकी जो पिता हैं उनसे आपके रिश्ते कुछ खराब रह सकते हैं इस समय में, और आपको जो है लक सपोर्ट नहीं करेगा इस समय में, आपको लक जो है वो सपोर्ट नहीं करे, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अब ओवरऑल जो रिजल्ट हैं वो आपकी शनि की जो यहाँ पर आपकी पोजीशन बनती है आपके हॉरोस्कोप में, उस पर भी डिपेंड करते हैं। और विशेष रूप से देखिए, अब 1st हाउस के लॉर्ड शनि बनते हैं, तो आपको फिजिकल जो आपकी हेल्थ है वो भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, आप में आलस बहुत ज़्यादा होगा, और आप किसी भी काम को समय पर नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी आप लेट होंगे, और आपको जो है थोड़ा सा धीमापन देखने को मिलेगा अपने जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें। इसके अलावा शनि जो है वो स्लो कर देते हैं किसी भी चीज़ को, शनि है वो स्लो कर देते हैं, क्योंकि ये स्लो चलते हैं। तो यहाँ पर जिन जिन भावों को ये एस्पेक्ट कर रहे हैं, उन भावों के रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, बट उनके रिजल्ट आपको जो है थोड़े समय बाद मिल सकते हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिले रहे। तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली कुंभ लगन के लिए शनि का जो ट्रांजिट है 24 जनवरी 2020 से वो कैसा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको इस प्रकार के जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन